हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर के अंदर। तो हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी का फॉर एक्सपायरी। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रही है। अगर इस पैटर्न को ये डाउन साइड क्रॉस करेगा, जो कि कल हमें देखने को मिल सकता है, कल हमें एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है एक अच्छा खासा, क्योंकि मार्केट में अभी कोई बाइंग नहीं है। आज सुबह से अच्छा खासा बाइंग आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ पूरा रेंज बाउंड रहा एंड ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट होगा। देखना कल हमें ये होगा कि किस साइड को क्रॉस करता है। अगर ऊपर की साइड जाएगा तो हम यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं, जो कि हमारा लेवल रहेगा 570 के ऊपर हम कॉल बाय कर सकते हैं। और डाउन साइड पुट लेने के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम जैसा कुछ बन रहा है। यहाँ पे हम देखें तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी कल यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए शायद रुक सकता है। तो हम देखेंगे कि ये लेवल निकाल पाता है नहीं। अगर ये गैप डाउन में निकाल देगा तो इसका रेजिस्टेंस बना के मार्केट फिर से फॉल करना शुरू कर देगा, जिससे इस टाइप की पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकती है हमें। अगर ये गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होता है 33,000 की अराउंड, तो यहाँ पे यहाँ जाके फिर ये यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल कर सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में खबरें जो है नेगेटिव चल रही है। तो हम कल 800 तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शन राइटर है तो आप 33,000 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो 33,000 के नीचे आने के बाद। अगर मार्केट फ्लैट ऊपर होता है या कहीं पे, मान लीजिए कि 33,400 पे मार्केट ओपन होता है, तो हमें वेट करना है कि अपसाइड जाता है या डाउन साइड। और जो डाउन साइड का ट्रेड लेना है हमें, तो जो रिस्की ट्रेडर रहेंगे वो 33,300 के नीचे पुट में जा सकते हैं, और जो कॉल साइड जाना चाहते हैं वो 570 के ऊपर जा सकते हैं, जो कि देखने को मिल सकता है। ज़्यादा करके दोस्तों में डाउन साइड की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं। कल दोस्तों ये पैटर्न यहाँ पे बन सकती है, जो कि हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट आज देखिए, तो निफ्टी एक अच्छी खासी रेंज बाउंड थी। इसमें अगर डाउन साइड में एक जोन बना दिया जाए तो ये बन गया निफ्टी का सपोर्ट जोन। अगर देखना कल है हमें, कल मार्केट ओपन का होता है, अगर यह 15,700 के अराउंड ये मार्केट ओपन होता है, तो हमें वेट करना है कि किस साइड का मूव देखता है। अगर ये 15,700-800 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम इसको अप साइड के लिए बाय कर सकते हैं। अगर ये इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को तोड़ के नीचे के साइड मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, तो हमें एक अच्छे खासे 15,600 तक के टारगेट हमें कल देखने को मिल सकते हैं। एंड अप साइड में हमारा व्यू रहेगा, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मॉर्निंग के अंदर, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं, जो कि यहाँ से एक ब्रेकआउट, अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें एक ब्रेकआउट चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पे रिटेस्ट करने है आ सकता है। हाफ क्वांटिटी हम यहाँ पे लेंगे एंड हाफ क्वांटिटी के लिए वेट करेंगे, जब ये रिटेस्ट करने आएगा तब हम हाफ क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा रहेगा 15,900 का टारगेट मान के चल सकते हैं आप, पर जिसकी संभावना हमें कम ही दिख रही है अपसाइड के लिए। तो डाउन साइड के लिए हम देखें तो अगर मार्केट यही कहीं पे ओपन होता है तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो इसको क्रॉस करने के बाद हम तुरंत पुट को बाय नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का वेट करेंगे। फिर यहाँ से गिरता है
हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम 600 तक तो जा ही सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।